आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। इंदौर जिले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 969 लीटर मदिरा, 3,735 किलोग्राम महुआ लहान जब्त। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मदिरा के अवैध रूप से क्रय विक्रय, परिवहन, भंडारण आदि पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देशन में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में रंग पंचमी ड्राई डे पर आबकारी अमले द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत 969 लीटर मदिरा तथा 3,732 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। इस दौरान 4 महत्वपूर्ण प्रकरण सहित 3 दिनों में 76 प्रकरण दर्ज किए। इनमें 3 वाहन भी जब्त किए गए तथा 1 आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर श्री मनीष खरे ने बताया कि रंगपंचमी के अवसर पर 30 मार्च 2024 को ड्राई डे घोषित होने से मदिरा के अवैध व्यापार की आशंका को देखते हुए कंट्रोल रूम प्रभारी श्री आरएच पचोरी और जिला उड़नदस्ता प्रभारी प्रीति चौबे के नेतृत्व में आबकारी की टीमों को विशेष निगरानी दी गई। आबकारी की टीमों द्वारा 29 और 30 मार्च को जिले में कुल 76 प्रकरण पंजीबद्ध किए, जिसमें 969 लीटर मदिरा और 3,237 किलोग्राम महुआ लहन जब्त किया गया। 2 दोपहिया वाहन तथा 1 चार पहिया वाहन भी मदिरा के अवैध परिवहन में जब्त किया गया। जब्त समस्त सामग्री की कीमत 9,07,000 रुपए है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसी तरह 29 मार्च 2024 को ही व्रत छावनी के उपनिरीक्षक मनमोहन शर्मा द्वारा कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन हीरो HF डिलक्स नंबर MP09QY3703 से 2 पेटी देशी मदिरा परिवहन करते हुए आरोपी दीपक पिता मनोहर सांबले को नवलखा बस स्टैंड से पकड़ा गया। मदिरा और वाहन जब्त कर उसे गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। वाहन और शराब का अनुमानित मूल्य 75,000 रुपए है। इसी प्रकार 29 मार्च 2024 को ही व्रत मालवा मिल के उप निरीक्षक महेश पटेल द्वारा कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन TVS जुपिटर क्रमांक MP09SW4280 से 2 पेटी देशी मदरा बियर परिवहन करते हुए आरोपी दिनेश पिता बदिया को पंचम की फेल से पकड़ा गया। मदिरा और वाहन जब्त कर उसे गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध भी प्रकरण कायम किया गया। वाहन और शराब का अनुमानित मूल्य 47,000 रुपए है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट।